बॉलीवुड के जाने माने एक्टर इरफान खान की अपकमिंग फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर आपको 13 फरवरी के दिन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले शानदार एक्टर इरफान खान ने एक ऐसा इमोशनल वीडियो मैसेज शेयर किया है जो आपको रुला सकता है। इस वीडियो में इरफान खान फिल्म में अपने अनुभव के साथ साथ अपनी जानलेवा बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी कि इरफान को कैंसर है और इसका पता उन्हें अपनी इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान चला था। वीडियो में कही एक एक बात इरफान खान के दिल से निकलती है। फिल्म को प्रमोट ना कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं वो काफ़ी उदास हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट की वजह से फिल्म प्रमोशन कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। इरफान खान अपने आप में एक बेहतरीन कलाकार हैं। पर्दे पर उनके आते ही मानो दर्शकों को एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। चार चांद लग जाते हैं फिल्म के उस हिस्से में जिसमें इरफान खान दस्तक देते हैं। इरफान खान के बोलने का अंदाज, उनकी हंसी, उनकी आवाज, इन सबको देखना लोग करते हैं बहुत ही पसंद। स्क्रीन पर इरफान की मौजूदगी ही फिल्म को खास बनाने के लिए बहुत मालूम पड़ती है। बात अगर वीडियो की करें तो इरफान खान ने लोगों से फिल्म अंग्रेजी मीडियम को देखने की अपील की है और साथ ही प्रमोशन ना कर पाने का दुख भी जताया। बातों ही बातों में उन्होंने अपने कैंसर के बारे में भी बात की। लेकिन इन सब के बीच जो सबके दिलों में सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या ये इरफान खान की आखिरी फिल्म होगी? कहीं बीमारी की वजह से अब इरफान फिल्मी दुनिया से अपने कदम पीछे तो नहीं खींच लेंगे? साथ ही जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तब से बॉलीवुड के कई सितारों के रिएक्शंस भी आ चुके हैं। ऋतिक रोशन ने भी ट्वीट करके इरफान खान को बधाई दी और फिल्म के लिए बेस्ट विशेस दी। खैर, उम्मीद यही है कि इरफान खान जल्द से जल्द अपनी इस बीमारी से रिकवर करें और एक बार फिर से अपने बेबाक अंदाज के साथ उनका कमबैक देखने को मिले। For latest Bollywood news, gossips, reviews and celebrity news, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.